अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी चिकन स्टू की है, जो कि बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। इसमें कोई भी ऐसा फैटी इंग्रेडिएंट्स नहीं पड़ता है जो इजी टू डाइजेस्ट ना हो, जैसे कि क्रीम है, काजू है। ये सिर्फ प्याज और दही में बनने वाली रेसिपी है, जिसको आप रात के खाने में भी आसानी से शामिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स यूज़ होंगे। मैं यहाँ आधा किलो चिकन का स्टू बना रही हूँ, तो मैंने उसी के हिसाब से सारे इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं। मैंने 5 से 6 प्याज स्लाइस में कट करके रख लिए हैं। इस स्टू में प्याज ज़्यादा पड़ती है, इसलिए मैंने 5 से 6 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। अगर आप कम ग्रेवी रखना चाहते हैं तो प्याज को कम भी कर सकते हैं। 4 टमाटर हैं, जिसको मैंने बीच में से कट करके रख लिया है। 1/2 कप के बराबर मैंने धनिया चॉप करके रख लिया है। 8 से 10 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, जिसको मैंने जूलियन में काट लिया है। 4-5 हरी मिर्चें ली हैं, जिसको मैंने मिक्सर में कोर्स ग्राइंड करके रख लिया है। आप चाहें तो हरी मिर्चों को मोटा मोटा भी काट के रख सकते हैं, लेकिन बच्चों को पसंद नहीं आती, इसीलिए मैंने आधी हरी मिर्चें कोर्स ग्राइंड की हैं और आधी मैंने साबित डाल दी है। 150 ग्राम के करीब मैंने दही को बीट करके रख लिया है। टमाटर के जो बीज हैं उनको मैंने अलग करके रख दिया है, क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इसका जो जूस है इसको मैं बाद में स्ट्रेन कर दूँगी ग्रेवी में। अब हमारी सभी तैयारियाँ हो चुकी हैं और सभी इंग्रीडियंट्स मैंने तैयार कर लिए हैं, तो चलिए अब पकाना शुरू करते हैं। मैंने एक वेसल को स्टोव पर रख दिया है और इसमें 1/2 कप के बराबर ऑयल ऐड किया है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें कुछ होल गर्म मसाले ऐड करूंगी। इसमें मैंने लिया है 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी, 4-5 लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्चें और 3-4 स्ट्रेन जावित्री के हैं। इन सभी मसालों को मैं तेल में ऐड कर दूंगी और जब थोड़ा क्रैकल करने लगेंगे तो फिर मुझे प्याज को ऐड करना है। अब मैं इसमें 2 तेज़ पत्ते ऐड कर दूंगी। तेज़ पत्ते ऐड करने के बाद जो हमने प्याज कट करके रखी हुई थी, मैं सभी प्याज इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी और इसको सॉटे कर लूंगी। प्याज को हम मुस्तकिल स्टर करते जाएंगे ताकि वो नीचे लगने ना पाए। इसको हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इतना हो जाए कि ट्रांसलूसेंट हो जाए। इसके बाद हम इसमें चिकन को ऐड कर देंगे और अब चिकन को इस प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। चिकन को प्याज के साथ इस लेवल तक भूनना है हमें कि चिकन का कलर चेंज होने लगेगा, चिकन वाइट हो जाएगा। इसके बाद ही हम दूसरे मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और फिर इसके साथ भूनेंगे। अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करूंगी। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मुझको इतना भूनना है कि लहसुन अदरक की स्मेल भी चली जाए और लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल खुश्क हो जाए, ताकि चिकन में कोई भी स्मेल बाकी ना रहे। अब इसमें हमें जो हमने कोर्स ग्राइंड करके हरी मिर्च रखी हुई थी वो जाएंगी। इसके बाद जो दही बीट करके रखा हुआ था वो जाएगा इसमें, और दही के साथ भी हमें इसको अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखिए दही ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है और अब हम इसके साथ भूनते जाएंगे। अब जो हमने टमाटर का जो जूस निकला हुआ था उसके बीज हम अलग कर देंगे और उसका जूस भी इसमें छान देंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा खाते हैं तो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने हरी मिर्ची भी डालनी है, लेकिन वो मोटी वाली हैं तो वो कम तेज़ हैं। अगर आपके पास पतली वाली हों तो आप उस हिसाब से इसमें हरी मिर्चें ऐड करिएगा। अब यहाँ पर मैंने जो टमाटर हैं वो मैंने 1/2 कट किए हुए थे, वो मैं इस तरह से पैन में ऊपर की तरफ करके रख दूँगी। अब हमने सभी टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसके ऊपर लिड लगा देंगे, 5 मिनट तक इसको पकने देंगे। 5 मिनट के बाद फिर चेक करेंगे, अगर नहीं गले होंगे तो हम इनको पलट के रख देंगे, और जो गल चुके होंगे तो उनका जो छिलका है हम इस तरह से इसके छिलकियों को अलग कर देंगे। इसीलिए मैंने टमाटर को बारीक चॉप नहीं किया था, क्योंकि मुझे इसका छिलका निकालना था, और जब हम टमाटर को इस तरह से काट के डालते हैं तो इसका छिलका निकालने में बहुत आसानी होती है। अब हम इसके छिलकों को अलग कर देंगे और टमाटर को कुचल देंगे। चम्मच की मदद से कुचलने के बाद हम इसको इसी में ही भून लेंगे। ये ख्याल रहे कि जो मैंने 5 मिनट तक इसको पकाया है तो वो मैंने बिल्कुल सिम पर पकाया है। आप थोड़ा फ्लेम का ख्याल रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि चिकन नीचे से लग जाए। अब हमने सभी टमाटर की स्किन अलग कर ली है। अब हम इसको अच्छी तरह से कुचल के इसको भून लेंगे। अब हम इसको भूनने के बाद चेक करेंगे, एक पीस को हम लेंगे और चेक करेंगे, उसको तोड़ के देखेंगे कि कितना गला है। अगर नहीं गला है तो हम इसमें पानी ऐड करके इसको गलने के लिए 5 मिनट के लिए फिर से लिड लगा कर रख देंगे।
अब हम इस स्टेज पर हरी मिर्चें और जो हमने जूलियन में अदरक काटी हुई थी आधी अदरक वो हम ऐड कर देंगे, ताकि अदरक थोड़ी हार्ड होती है तो वो इसमें गल जाएगी। अदरक और हरी मिर्चें ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद लिड लगा के हम इसको 5 मिनट पकने के लिए रख देंगे और देखते भी रहेंगे कि ये कितनी देर में गलेगा। हम बीच बीच में स्टर करते रहेंगे ताकि ग्रेवी नीचे लगने ना पाए। मुझे लग रहा है कि इसमें पानी कम हो गया है, तो मैं थोड़ा सा पानी 2-3 टेबल स्पून पानी मैंने ऐड कर दिया। अब फिर से मैंने लिड लगाकर इसको पकने के लिए रख दिया है। अब लिड हटाकर फिर से मैंने चेक किया है, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, इसका मतलब ये भुनने पर आ गया है। अब मैं इसको खोल कर भून लूँगी। अब हम इसको कंटिन्यूसली स्टर करते जाएंगे, क्योंकि इसका पानी खुश्क हो चुका है। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये नीचे लग जाएगा। इसको हम चलाते जाएंगे और इसको भून लेंगे, इतना भून लेंगे कि इसका ऑयल सेपरेट होने लगे। ये देखिए इसमें अब ऑयल सेपरेट होने लगा है। इस स्टेज तक हमें भूनना है। अब हमारा स्टू तैयार हो चुका है। अब इसमें जो हमने हरा धनिया चॉप करके रखा था वो ऊपर से हम इसमें ऐड कर देंगे। स्टू अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसको एक डिश में निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा और ज़बरदस्त स्टू बना है। आप इसको खाइए, बहुत ही अच्छा, टेस्टी और लाजवाब है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे आप नहीं हुए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।